तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा वैलिडेशन का अगला पार्ट। आपको याद होगा कि लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था डेटा वैलिडेशन के पार्ट को, और डेटा वैलिडेशन में हमने आपको नहीं डेटा वैलिडेशन आई थिंक नहीं हुआ था, हो गया था अभी, उसमें बेस हो गया था, बेसिक बेसिक बताया था कि लिस्ट में जाके ऐसे ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बारे में जो, हाँ एडवांस आपको बताया, बोले थे कि मैं एडवांस ट्रिक बताऊंगा इसमें। तो एडवांस डेटा वैलिडेशन आज का टॉपिक है हमारा। तो मान लीजिए कि मैं अपने इस कॉलम में मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, राइट, और मैंने इसको सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में गया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लेंथ में इक्वल टू, सॉरी सर हमने 10 डाल दिया, ठीक है, ताकि कोई भी नंबर अगर 10 डिजिट से कम हो तो मुझे बता दे। लेकिन जो बता रहा है अब इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बता रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन स्ट्रिक्ट डिफाइन ऑफ दिस सेल। इतनी बड़ी इंग्लिश हम तो बचपन में पढ़ी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा ना, क्योंकि हम लोग जैसे कुछ भी करते हैं तो हमें हम लोग का मैसेज उससे रिलेटेड मिलता है, लेकिन एक कॉमन मैसेज मिलेगा सबके लिए कि डेटा एंट्री, डेटा एंट्री नहीं हो सकती है। तो आप जो है डेटा वैल्यूएशन में खुद के मैसेज भी डाल सकते हो, यहाँ दो चीजों में, एक इनपुट मैसेज। अब इनपुट मैसेज से समझिए, आप लोग इससे कुछ इंफॉर्मेशन डालने के लिए आप लोग कमेंट डालते होंगे, राइट क्लिक किया और इसके ऊपर आपने कर देते हैं इंसर्ट कमेंट और लिख देते हैं कि प्लीज एंटर ओनली नंबर, मोबाइल नंबर, राइट। अब इस पे कर्सर जाएगा तो ही दिखेगा, लेकिन अगर मैं माउस पॉइंटर पे ही दिखेगा, लेकिन मैं अगर कर्सर ले जाऊं तो आपको कर्सर में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कर्सर पे दिखना चाहिए, इसके लिए आप डेटा वैलिडेशन के अंदर में यहाँ इनपुट रेंज में ये जो इनपुट मैसेज है इस पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मोबाइल नंबर टाइटल में और यहाँ पे मैसेज कि प्लीज एंटर ओनली मोबाइल नंबर, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आपका माउस पॉइंटर जाएगा तो दिख जाएगा, सॉरी माउस पॉइंटर नहीं कीबोर्ड कर्सर जाएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है सर। हाँ जी सर, हाँ जी। लेकिन फिर भी अभी भी एरर जो है तो नहीं आ रहा, वो एरर अलर्ट के लिए डेटा वैलिडेशन में अलर्ट यहां दिख रहा है, यहां दे सकते हो, सर देना एक बार दे रहा हूं। रॉन्ग एंटर ठीक है, हाँ जी
इसमें भी तीन है। यहां देखिए स्टॉप है ना, स्टॉप की जगह पे मैं वार्निंग कर दूं तो क्या होगा? ये आपसे पूछेगा डू वांट टू एस, यस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, समझ गए जी? ओके। तो इसमें आप अगर डेटा वैल्यूएशन में अगर वार्निंग करते हैं तो आपको यस से नो पूछेगा, इन्फॉर्मेशन करते हो तो गलत एंट्री करने पे जस्ट इन्फॉर्म करेगा और एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। तीन यहाँ पे आपके है, स्टाइल है मतलब। बोले सर यही चीज अगर हम लिस्ट ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होती है उसमें भी एक चीज काम करेगी, काम करेगी। आप जो सेटिंग के अंदर जो भी करेक्टर सेलेक्ट करते हैं उसके मैसेज और इनपुट अलॉट आप यहाँ सेट करते हैं। ठीक है सर, जनरली क्या होता है कि लिस्ट में अगर आपने ड्रॉप डाउन में अगर आपकी वैल्यू नहीं है और अगर आप लिखना चाहते हो तो वो अलाउ नहीं करता, कॉपी पेस्ट कराना पड़ता है उसको सर, पेस्ट वैल्यूज करना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ पे सिटी दिया और सिटी के अंदर में डेटा वैलिडेशन में मैं यहाँ पे वार्निंग ले लिया एंड ले लिया नॉट ए लिस्ट, ठीक है? ठीक है, दिस यहाँ पे वैल्यू नॉट ए लिस्ट do want to enter, ठीक है? और हमने यहाँ पे लिस्ट में मान लीजिए दे दिया हमने न्यू दिल्ली पुणे पंजाब, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसमें नहीं है, मैंने मान लीजिए पटना दे दिया, ठीक है सर? हाँ जी, समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगला इसमें आता है कि अगर मान लीजिए मैं अगर लिस्ट ये बनाता, लिस्ट थोड़ी फिलहाल मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कोई भी पर्सन इसमें डुप्लीकेट नंबर ना एंट्री कर पाए, ठीक है? तो मैं इसका इस पे कर्सर रखता हूं, डेटा वैलिडेशन में जाता हूं और कस्टम पे चला जाता हूं और यहाँ पे इक्वल काउंट इफ लगाता हूँ, काउंट इफ में मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरी कॉलम को और मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको और बोलता हूँ कि अगर ए इक्वल टू वन है तो एंट्री ले और फिर इसको कॉपी करके जहां तक चाहिए वहां तक हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैलिडेशन कर देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ एंट्री होगा और जैसे मैं डबल एंट्री करूंगा डबल एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगा, समझ गए? या फिर मैं और चीज भी करना चाहता हूं, जैसे कि हमारे पास कुछ ब्लॉक किसी और सीट पे चाहे इसी सीट पे तो ब्लॉक आईडीज है, ठीक है? जैसे कि 5, 6, 7 हम चाहते हैं कि इस आईडी को इस कॉलम में एंट्री ना कर सके, बाकी कोई भी एक्सेप्ट कर दे। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यहां पे कस्टम में जाएंगे और यहां पे ऐसे वी लुक का फॉर्मूला लगा सकता है लेकिन फिर एरर आएगा, इसे हम काउंट इफ में लगा देते हैं, काउंट इफ और काउंट इफ में हमने बोला कि इस सेल में इसका रिजल्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? अब मैंने इसको कॉपी किया और नीचे तक राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल
और पेस्ट स्पेशल में मैंने डेटा वैलिडेशन या वैलिडेशन सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए मैं एक लिखूंगा एक्सेप्ट हो जाएगा, दो एक्सेप्ट हो जाएगा, पांच एक्सेप्ट नहीं, ठीक है। तो इसी तरह की चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी चीज और आपको बताने जा रहा हूं मैं, अभी लिस्ट के बारे में मैंने बताया, तो आप डिपेंडेंट लिस्ट कैसे बनाएंगे? मेरे पास सिटी जो है दो है, एक है हमारे पास मान लीजिए नोएडा और एक मान लीजिए हमारे पास है दिल्ली, ठीक है सर। एक सॉरी सर, सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, एक बार आप उसी दोबारा उसी पे ही जाना, शीट पे, शीट टू पर। सर जो आपने ये काउंट इफ की कंडीशन लगाई है इस पे आईडी सेलेक्ट ना, ये लुकअप तो कुछ कर नहीं रही, ये काउंट के बेसिस पे कैसे डिटरमाइन हो रहा है? अरे नहीं, वो जीरो कर दिया ना सर, बादाम काउंट। हाँ काउंट इफ अगर वो नहीं, अगर वैल्यू जीरो ही होनी चाहिए, अगर अगर इसको किया, अगर ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट कोई ना कोई एक दो आएगा ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एग्जिस्ट करेगा तो जीरो आएगा, हमने यहाँ पे जीरो पे दिया, इक्वल टू जीरो। ओके मैं यहाँ पे मैच लगा सकता था, मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा सकता था, लेकिन वहां पे एन आता फिर मुझे इफ एरर लगाना पड़ता। पर सर जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो उसमें इफ करके कोई कंडीशन तो नहीं डाल रहे? अच्छा काउंट इफ के थ्रू ही हो रहा है वो काम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन के जो कस्टम पार्ट है वो ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? ट्रू एंड फॉल्स पे। ओके तो ट्रू एंड फॉल्स के लिए हमने क्या दिया? लॉजिकल ऑपरेटर, ये है ना, ठीक है। और इफ किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ट्रू एंड फॉल्स को अनदर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, करने के लिए, ठीक है, समझ गए ना। कंडीशन चेक, मैंने भी इस फॉर्मूले में ये बहुत जोर देके बोला था कि कंडीशन चेक करने के लिए इफ का इस्तेमाल नहीं होता है, कंडीशन चेक करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन होता है, नॉट इक्वल टू इस का इस्तेमाल होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सर। ट्रू एंड फॉल्स आता है, ट्रू एंड फॉल्स में अगर इसका कंडीशन ट्रू हुआ तो एंट्री करने देगा, फॉल्स हुआ तो एंट्री नहीं करने देगा। सेम कंडीशन फॉर्मेटिंग, ट्रू हुआ तो कंडीशन अप्लाई करेगा, फॉल्स हुआ तो कंडीशन अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है सर आगे बढ़े। हाँ जी अब अगला यहाँ पे है कि मेरे पास जो है सिटी है कि दिल्ली, नोएडा, दिल्ली दो सिटी है और दिल्ली की एरिया है जैसे कि साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल और एनसीआर, ऐसे मान लीजिए एरिया है और मेरे पास नोएडा के भी एरिया है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे आपको एक प्रोजेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे सिटी के लिए, यहाँ पे सिटी दिया और सिटी के लिए मैंने डेटा वैलिडेशन के अंदर गया, लिस्ट में गया और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास लिस्ट आ गया कि नोएडा दिल्ली तो आ गया। फिर मैं यहाँ पे एरिया दिया और एरिया में मैं चाहता हूँ कि अगर मैं नोएडा सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे नोएडा का आना चाहिए, अगर मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे दिल्ली का आना चाहिए, समझ गया। तो क्या किया कि इस दो तरीके है, एक सिंपल तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गया और डिफाइन नेम में गया और इसका नाम दे दिया दिल्ली, वही नाम देंगे जो सिटी का नाम होगा, ध्यान रखिएगा, और इसका नाम दे दिया मैंने, डिफाइन नेम कर दिया क्या, नोएडा, नोएडा। ओके मतलब कि अगर अब मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊं और यहाँ पे दिल्ली है तो अगर मैं लिस्ट के अंदर इक्वल टू दिल्ली देता हूं
तो यहाँ पे दिल्ली का डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं नोएडा देता हूं तो फिर डेटा वैलिडेशन के लिस्ट में यहाँ पे नोएडा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का नाम हमने डिफाइन किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहां पे जो हम मैनुअल लिख रहे हैं इसी चीज को मैं इससे लिंक कर दूं? सर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? हाँ वही बात बोला हूं कि हम सेम यूज करेंगे जो हमने पिक्चर लुकअप में किया था, इन डायरेक्ट। इनडायरेक्ट और इसके अंदर भी हम नोएडा कर देते, सर नोएडा क्यों? जी टू नहीं देंगे? हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए नोएडा का सेक्टर है, जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली का करूंगा बस यहाँ पे दिल्ली का सेक्टर आ जाएगा, राइट? समझ में आ गया? हाँ जी। अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क आता है। अब मेरे पास क्या है कि सिटी है, नेम है, एंड डेज है, ठीक है। तो हम कुछ सिटी का लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा है लिस्ट हमारा, नेम का भी लिस्ट बनाते हैं हमें, और डेज में हम उसका लिस्ट बनाते हैं। मतलब आप देखेंगे कि अगर मैं पूना सिलेक्ट, मान लीजिए हम दिल्ली सिलेक्ट करते हैं, तो दिल्ली में हमारे पास इतने क्या है, नेम है, ठीक है, और इसके अंदर आप देखेंगे इतने हमारे हमारे पास मंडे डे है, देखिए सर। तो अब आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन करना है कि सिटी, तो चलो सिटी हो गया। अब मान लीजिए सिटी तो हमारा बेस है, तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया और मैंने इसको कर दिया रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। और यहाँ पे हमने डेटा वैल्यूएशन में लिस्ट में गया और उसको हमने सेलेक्ट कर दिया, कर लिया सर। अब यहां पे नेम और डेज का रिलेशन आपको करना है, समझ गया? हाँ जी। ए आपको करना है, ए आपके लिए होमवर्क रहा। अगर कर दिए तो हम कल और टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं किए तो क्या करेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप कर सकें। ठीक है सर, ठीक है, ये फाइल भेज देता हूँ आप लोगों को मैं। मेरे अंदर एक पता नहीं क्या इंस्टॉल हो गया है कि हर 5 मिनट में किसी वेबसाइट को खोल देता है, पता नहीं चल रहा है सर। कैसे खोला है?